कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाते हैं, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब जो दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो, पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, और तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाए। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है। इसमें 14 दिए निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगाएं। 14 दीप। वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन करना चाहिए, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे, रात्रि के समय तक, शाम को नहीं, मध्य रात्रि। अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरि हर मिलन कराना, थोड़ी देर तक, या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर, या लड्डू गोपाल पर, या मेरे कृष्ण पर, या नारायण पर, या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना, और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही
रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसी हमेशा कार्य करती है। कल वही बैठे थे चतुर्दशी,